देखो ऐसा है, आज राजस्थान के कोने कोने से बेरोजगार युवा जयपुर पहुंचे थे। कर्मचारी चयन बोर्ड में सबसे पहले हमने वहां धरना दिया और अपनी मांग रखी कि रीठ L1 में जो छात्र नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, बाकी छात्रों को नियुक्तियां मिल चुकी है और जिनकी नियुक्ति नहीं हो रही है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, उनको ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड में जाने के बाद में वहाँ के जो अध्यक्ष जी है आलोक राज जी, उनकी बातों से कहीं हमें संतुष्टि नज़र नहीं आई। हमें लगा नहीं कि ये हमारे साथ न्याय कर सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे, उनको मिलकर समझा रहे थे कि बेरोजगार युवा परेशान हैं, इनकी मांगों को आप सुनिए और आप अपने लेवल पे कैसे भी करा के युवाओं के साथ में न्याय कराइए। लेकिन आलोक राज जी हो चाहे बोर्ड के तमाम अधिकारी हो, उन्होंने बेरोजगारों की मांगों को दरकिनार करा, क्योंकि ये बेरोजगार युवा L1 को लेके इनकी नियुक्ति के आदेश आचार संहिता से पहले हो चुके थे, फिर इन्होंने इंतजार करा कि भाई L1 के आदेश हो गए, चलो आचार संहिता के बाद हमें मिल जाएगी। लेकिन आज आचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, लेकिन आज भी युवा दर्द की ठोकरें खा रहा है। ये सेम 3-4 मामले थे, L2 का भी सेम मामला है जिसमें भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ऐसे वीडियो की वेटिंग सूची है वो भी नहीं आ रही। इन चीज़ों को लेकर हमने उनको आज अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने मांग रखी है कि उनका जो सरकारी अधिवक्ता है वो कह रहे हैं कि कोर्ट की वजह से हम नहीं दे पा रहे, तो हमने उनको कहा है कि आप कोर्ट में अच्छा वकील उतारो, अच्छा अधिवक्ता उतारो, सरकार के पास अधिवक्ता कमी नहीं है, लेकिन उसको लेके उनके हाथ में कुछ नहीं था। हम तमाम युवा साथियों ने एक फैसला करा कि हम जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी है उनके आवास पर उनसे मिलेंगे। आज हम उनसे मिलने यहाँ पहुँचे उनके आवास पर, वो अभी हमारी बात हुई है स्टाफ से, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में हैं और जैसे ही उनका कहना है कि हम जयपुर आते हैं आपसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन अभी उनके स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि आपकी जो मांग है वो हमें लिख के दे दो, तो हम मांग लिख के ज़रूर उनको दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी ये मांगों का समाधान नहीं हो जाता, हमको ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि 21 तारीख को यहाँ से सरकारी अधिवक्ता उतारे जाएंगे और अच्छी पैर भी होगी जिससे इन बच्चों के नियुक्ति के आदेश जारी हो सके। क्योंकि राजस्थान का ये तमाम युवा बड़ी उम्मीद लेके CP जोशी जी के निवास पे पहुंचा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि CP जोशी जी इनसे मिलके, इनसे बात करके इनके साथ में न्याय करेंगे। क्योंकि युवा पिछले लगातार 5 साल सड़कों पर रहा है, बड़ा संघर्ष किया है युवाओं ने, लेकिन अभी भी जैसे भाजपा सरकार बनी है और युवाओं को जैसे सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि CP जोशी जी आए और इन बच्चों से संवाद करें, बात करें, इनके निजी निवास पे या बच्चे धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं होता, कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनवाई होती, ये बच्चे दूर दूर से आए हैं, सब गरीब किसान के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे, जयपुर में सड़कों पर बैठे हैं। तो इनको भी उम्मीद है कि जो नई सरकार है और CP जोशी जी है इनकी मदद करेंगे और इनको नौकरी मिलेगी। अभी मुख्यमंत्री जी को लेके हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी चैनल के माध्यम से अगर वो हमसे वार्ता कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, जिससे हमारी बात उन तक पहुँचे और समाधान करें। क्योंकि अभी हम एक बार CP जोशी जी के यहाँ से क्या जवाब मिलता है, वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रेस्पॉन्स मिलता है, हमारा समाधान होता नहीं होता, अगर इसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिलता है तो हमें CM साहब से भी मिलना पड़ा, CM साहब को भी घेरना पड़ा, CM साहब के आवास पर जाना पड़ा, तो हम वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि ये युवा न्याय के लिए घूम रहा है, ये कोई ऐसे नहीं कि जयपुर में पिकनिक मनाने के लिए आया है, इनको न्याय चाहिए। सब गरीब घरों से आते हैं, इनके पास कहाँ है पैसे बेचारों के पास में, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, इनको न्याय चाहिए, चाहे वो न्याय कहीं से मिले वो हम लेकर आएंगे। देखो अब देखो जो स्थिति है, वास्तु स्थिति सबके सामने है, उसको अपन बार बार बोले तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, जो मतलब नहीं है। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे अध्यक्ष जी चाहे इनकी दूरभाषा से 2 मिनट बात हो जाए तो इनको एक संतुष्टि मिल जाएगी। हमारी भाषा से बात करने के लिए भी अंदर देखो आपको पता है संसद में 4 बजे हम इंतजार कर लेंगे, 5 बजे कर लेंगे, 6 बजे कर लेंगे, लेकिन मिल लेंगे। सर ये क्या है, मेरा कहने का कंसर्न ये था, ये दूर से आए हैं, ये बिना अध्यक्ष साहब के, लेकिन फिर भी आपको रिप्रेजेंटेशन वो मैं दे दूंगा, वो मैं 15 मिनट में आपको मीडिया को बाइट दे के देता हूँ। नहीं, मीडिया को क्यों इन्वॉल्व करते हो इसमें आप अपना? सर ये तो क्या है कि मीडिया संघर्ष का साथी है, जब भी जरूरत पड़ती है युवाओं के लिए खड़ा होता है, तो वो कोई बात नहीं। नहीं, क्या होता है कि एक तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है ना पेपर पे जो होता है, देखो वो आप यहाँ दे दूंगा, यहाँ से आगे जाएगा चैनल, देखो सर प्रक्रिया तो यही होती है, वो भी आगे भेजेंगे, वो खुद नहीं है तो वो जो सक्षम है जिनके आपको नाम बोल रहे हो कार्यालय भेजेंगे, उनके अधिकारियों को भेजेंगे कि भाई ये मैटर है, ठीक है ना, आप और मैं जवानी कर ले, मैं उनको फोन कर दूँ, उससे काम नहीं होता, कागज का काम कागज से होगा। नहीं बिल्कुल, कागज काम कागज से होगा, लेकिन आपका कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है एक वो रिप्रेजेंटेशन दे ताकि वो कार्रवाई फिर आगे बढ़ाए। बिल्कुल, मैं कागज आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं
जो आपने इन पर लिखी हुई है प्लान्स पे, एक बार एक कोई रिप्रेजेंटेशन बना दे, मैं 5 मिनट ठीक है सर ना, वो रिप्रेजेंटेशन बना दे और आप थोड़ा सा प्रयास कोशिश करें पार्लियामेंट के बाद में। देखो बात करने की सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि देखो रिप्रेजेंटेशन अगर आप वो मैं दे दूंगा, लेकिन सर ये क्या युवा ही है, कोई कहता ना कांग्रेस 70 मंत्री के बारे में बता दो क्यों आ रहे, इन मंत्रियों ने इन युवाओं को मिलना नहीं समझा, नहीं मिले नहीं तो पॉलिटिक्स का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है, आपका कैरियर दांव पे है बस उसके बारे में डिस्कस करें, पॉलिटिक्स पे अपन लोगों को लेना देना है। ये नॉन पॉलिटिकल छात्र है आप तो अपने आप और कोशिश करते हैं ना कि आपकी बात आगे तक पहुँचे, ये संगठन का मैटर है ना, ये सरकार का मैटर है ना, तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ सरकार में जो है कार्यालय में भी दें तो बढ़िया रहेगा, एक प्रेशर बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैसे पटकली सर को सुन नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा सर, हमारी आखिर में देखिए ऐसा है जो एक मिनट मुख्यमंत्री जी बने वो भी संगठन के ही है, तो साहब से दूर थोड़ी है मुख्यमंत्री, नहीं वो दूर नहीं है, संगठन ही पार्टी और पार्टी संगठन है।